तो फिर किस काम की ये वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है। अजय देवगन की सिंघम मूवी रिलीज होने वाली है 1 नवंबर को, और ऐसे में मैं उन्हें मास्टरमाइंड क्यों कह रही हूँ यही सोच रहे हो ना तुम, पता चलेगा लेकिन तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं ये भी कह रही हूँ कि भाई सिंघम अगेन 500 करोड़ तो बड़े आराम से कमा लेगी। क्या इसके पीछे के रीजन, उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। भारत में 315 लाख करोड़ से भी। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चैट कल। अच्छा एक बात बताओ यार, तुमने कभी सोचा है कि हमारे अजय देवगन भैया के पास ना तो शाहरुख खान जैसी अमीरी है, ना ही सलमान खान जितनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का बैक टू बैक हिट दिए जा रहा है। सोचा है कभी, दिमाग में आया है? मेरे दिमाग में तो आया है, तो सोचा मैंने चलो इस बात का जवाब दे दिया जाए। देखो अजय देवगन की पहली फिल्म 1991 में आई थी फूल और कांटे। 90s के हीरो की बात करो तो उनमें से ज्यादातर का तो करियर खत्म हो चुका है। संजय दत्त हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आजकल सपोर्टिंग तौर पर हमें कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, लेकिन अजय हैं कि भाई अभी तक मोर्चे को संभाले हुए हैं, लीड एक्टर के तौर पर अभी तक काम करते हैं। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। भाई यही पहला रीजन है, उन्हें पता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब मैं और तुम जब अजय देवगन की फिल्म देखने जाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि अजय देवगन की भाई नई मूवी आई है चलो चलो देखने चलो, नहीं, हम कहते हैं कि गोलमाल का नया पार्ट आया है, दृश्यम का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, सिंघम अगेन आने वाली है, और फिर देखने जाते हैं। अजय देवगन की फिल्में वर्ड ऑफ माउथ पर चलती है, शैतान को ही देख लो कितनी बड़ी हिट साबित हुई। अब जब उनके करियर को देखोगे ना तो एक चीज कॉमन तुम्हें जरूर नजर आएगी, उनकी मूवी का हीरो वो खुद नहीं होते हैं, उनकी मूवी का हीरो होता है उस मूवी की कहानी। साइड हो जा। और इसी की वजह से उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। ज्यादातर हीरो को देखोगे ना तो वो अपनी मूवी में खुद को हीरो साबित करने में लगे रहते हैं, और सिर्फ स्क्रिप्ट अच्छी हो या ना हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस अच्छा हीरो का स्क्रीन टाइम दिया हो, पावरफुल रोल हो, तो वो स्क्रिप्ट को कर लेते हैं। लेकिन अजय देवगन जहाँ अच्छी स्टोरी मिलती है उसी की तरफ थोड़े थोड़े भागे भागे चले जाते हैं। शैतान का एग्जांपल ले लो, शैतान एक गुजराती मूवी वश का रीमेक थी, उन्हें पता चला कि भाई मूवी रिलीज हुई है, ब्लॉकबस्टर हो रही है, तो चलो इसका फटाफट से रीमेक बना देते हैं। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? अजय देवगन उन्हीं मूवीज के रीमेक बनाते हैं जो सुपर हिट का टैग ऑलरेडी हासिल कर चुके होते हैं। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी हीरो भी तो रीमेक करते हैं, जैसे ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा आई थी, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गई। उसके पीछे का ये रीजन है कि भाई उस मूवी का बजट ही 100 करोड़ था, लेकिन अगर अजय देवगन रीमेक बनाते तो सोचते कि जितना कम हो सके उतना कम पैसा लगाया जाए। जिस हिसाब से अजय देवगन रीमेक की स्टोरी चूज करते हैं तो भाई उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, और उन्हें पता है कि पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए। अब तुम एक चीज और देखोगे कि अजय देवगन की फिल्मों का बजट 50 से 70 करोड़ के आसपास होता है, अजय देवगन की फ्लॉप फिल्म भी 50 करोड़ तो बड़े आराम से कमा लेती है। अब शैतान का एग्जांपल ले लो, शैतान 60 से 65 करोड़ के बजट में बनी थी और 211 करोड़ का उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, तो वैसे ही हिट की कैटेगरी में शामिल हो जानी है यार, क्योंकि खर्चा कम किया है। अपने पिताजी को जोर से छावड़ मार दो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है अजय देवगन की कि भाई मूवी को कम से कम बजट में बनाओ, 200 करोड़ आराम से कमा लेगी और हिट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। अब देखो अजय देवगन को पता है कि भाई उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उन्हें पता है कि मिडिल एज के जो लोग हैं वो उनकी मूवीज देखते हैं, फैमिली ऑडियंस उनकी टारगेट ऑडियंस है। अब तुम अपने मम्मी पापा से पूछो कि पठान देखने जाओगे या फिर दृश्यम, तो ऑब्वियसली वो उसमें से दृश्यम चूज करेंगे, और वो अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ही कंटेंट बनाते हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू आजकल के टीनेजर्स में काफी ज्यादा नहीं है, सिर्फ मीम मटेरियल के तौर पर उन्हें यूज किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ विमल पान मसाला एड। तो भाई यही वजह है कि अजय देवगन ना मास्टरमाइंड है बॉलीवुड के, अपनी किसी भी मूवी को फ्लॉप नहीं होने देते, उन्हें पता है कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उन्हें ये भी पता है कि भाई कम बजट में मूवी बनानी है। जिसमें है दम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी कहानी का हीरो खुद को ना रखकर कहानी को हीरो बनाना है, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स वो बनाते हैं, और यही रीजन है कि मैं अजय देवगन को मास्टरमाइंड कह रही हूँ, और इसी रीजन की वजह से अजय देवगन की सिंघम अगेन 500 करोड़ तो बड़े आराम से कमा लेगी।
और आजकल के टाइम में देखा जाए तो अजय देवगन अकेला ऐसा एक्टर है जिसके पास सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, जैसे कि गोलमाल, सिंघम, दृश्यम, रेड और अब दे दे प्यार दे का भी तो सेकंड पार्ट आने वाला है। बाकी तुम बताओ, तुम अजय देवगन के सिंघम के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर दे दे प्यार दे 2 के लिए? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें भी लगता है कि अजय देवगन सच में मास्टरमाइंड है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।